भीलवाड़ा जिले के रायपुर थाना क्षेत्र खराड़िया ग्राम में से 10 लोगों का जत्था रामदेवरा दर्शनों के लिए गया था। बीती रात को पाली जिले के रोहट ग्राम के पास टैंकर ने उन्हें कुचल डाला, जिससे 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इस घटना के बाद रायपुर क्षेत्र में मातम फैल गया। घटना की जानकारी मिलने पर पाली से पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को उपचार के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। उधर इस घटना की जानकारी मिलने पर रायपुर क्षेत्र में मातम छा गया। इस बीच सर्किट हाउस में राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने इस घटना पर दुख जताते हुए कहा कि वह भी इन लोगों के अंतिम संस्कार में शामिल होने रायपुर जाएंगे। ये धार्मिक चीज हमारे लोगों के मन में है। बारिश का मौसम हर बार पैदल यात्री और काफ़ी बसों में लोग जाते हैं, पुलिस प्रशासन भी रहता है, लेकिन छोटी सी चूक से कई ऐसी घटनाएं होती हैं। ये बहुत बड़ी घटना घटी है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सब मरने वालों की आत्मा को शांति प्रदान करें, उनके परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। हमने जिला प्रशासन ने वहाँ सारी व्यवस्थाएँ कर दी है। कुछ रेफर हुए जोधपुर, अभी सूचना मिली एक की और डेथ हुई, कंफर्म और होने के बाद ही बता पाएंगे, लेकिन एक बड़ी घटना है। हम राजस्थान सरकार की तरफ से जो मदद है मुख्यमंत्री जी एडवांस में कह चुके हैं, वो तो मदद हम करेंगे ही। मैं स्वयं भी वहाँ जाके देखूँगा दाह संस्कार में, अभी जब उनका टाइम शेड्यूल आ जाता है तो उसके बाद ही ये चीज़ें और बताएं, लेकिन अभी इस दुखी घड़ी में हम सभी लोग उनकी आत्मा की शांति के लिए ही प्रार्थना करें, उनके परिवार को ऐसे मौके पर दुख सहन करने की शक्ति दें। कितने की डेथ हुई सर? अभी 6 की सूचना मिली, अभी और आ रही है कि 2 और हो गए, लेकिन अलग अलग हमारे अभी ध्वजारोहण फ्लैग होस्टिंग के समय भी ये सूचना मीडिया वहाँ से रवाना हो रही थी, तब भी बराबर हम प्रशासनिक दृष्टि से लोग अधिकारियों के टच में थे, पुलिस अधिकारी, लेकिन कंफर्म होने के बाद ही हम पूरी तरीके से बता पाएंगे। कुछ हॉस्पिटल में भी एडमिट है, तो एक्सीडेंट ऐसी चीज है, पता नहीं कभी क्या घटना घट जाए। इस वजह से पूरा आंकड़ा पहले 6 का आया, अभी और सुनने में आ रहा है कि और बढ़ने की संभावना है। आर्थिक सहायता? आर्थिक सहायता मुख्यमंत्री जी ने पहले ही बड़ा पैकेज कर रखा है, लेकिन आर्थिक सहायता से कोई पूर्ति नहीं हो पाती। एक तो वो तो परिवार को एक आर्थिक संबल देने की सहर्दिता है मुख्यमंत्री जी की, जो मदद करने का है। आपने देखा होगा पहले भी हमारे देसूरी के नाड़ों में 37 लोग एक साथ ट्रोले के एक्सीडेंट में, एक अजमेर जिले में ऐसे ही हमारे 5-6 लोग एक साथ मरे। ऐसे धार्मिक के समय लोगों को तो निवेदन करूँगा कि थोड़े सावधानी बरतें बारिश के समय, और पुलिस प्रशासन को और चाक चौबंद मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी स्वयं को भी दुर्घटना में सामने वाला भी होशियार हो और खुद भी होशियार हो, दोनों तरफ से होशियारी हो तो ही हम बच पाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं किन्हीं कारणों से अभी ज़्यादा कहना उचित नहीं होगा कि पता नहीं किन कारणों से वो घटनाएं घटी है, लेकिन अभी तो हम दुख प्रकट करने की ही प्रार्थना भगवान से कर रहे हैं। थैंक यू सर।